मम्मी से बड़ी डर। अरे बड़ी लेट हो जाती है हर वक्त निकलते हुए। मुझे कह रही थोड़ी देर 5 मिनट को आधा घंटा लगा देते हैं। इसको मीठे से दिक्कत है, तुम्हें नमक से दिक्कत है? नमक से दिक्कत नहीं है। और ये मैं तो नाराज हूँ बहुत ज्यादा। सारी रस्में हो गई, अब आए लास्ट पर मंगवाया। सभी यहाँ ना ऐसे कर रहे हैं, दो दो कप पी के जा रहे हैं। टेस्टी इलायची चाय है वो, दो पीता है। गाइस दूर से देखिए इस पंखे को, जिस घर रोंगटे खड़े करवाने हो तो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल और मैं बैठी हूँ अभी गेट के पास ही। पूजा आने वाली है, बस पूजा ने कहा मम्मी 2 मिनट में मैं आई। मैंने कहा चलो बैग भी है, पूजा आती है फिर मैं उसके साथ अंदर जाती हूँ, क्योंकि अंदर पेपर भी लगाना पड़ता है पहले जाती हूँ, तो वही करेगी। मेरे पास बैग है तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, उसी की वेट कर रही हूँ बस। गाइस आने वाली है पूजा, मम्मी को भी पिक करा है और मम्मी के इतने फोन आया, मम्मी से बड़ी डर। अरे बड़ी लेट हो जाती है हर वक्त निकलते हुए। मुझे कह रही थोड़ी देर 5 मिनट को आधा घंटा लगा देती है। मम्मी को पिक करा, मम्मी चले गए थे कंचनवासी, बहन के पास ही बैठ गई। हमने बहुत बोला हमारे पास आओ, मम्मी नहीं आई। मैंने कहा नहीं मैं उधर ही बैठी हूँ। तो अभी बस हमने ना हमने कुछ खाया नहीं होता, तो अभी हम तिलकनगर के मैकडोनल्ड्स पे ही आ रखे हैं गाइस। तो अभी और मैंने क्या करा, कंचन के घर से छोले चावल खा लिए थे मैंने, बाकी भी फ्राइज ऑर्डर कर लिए। मम्मी बर्गर वगैरह कुछ मना ही नहीं खाती है। मम्मी वैसे भी बाहर का कम ही खाते हो ना, मैंने कहा चलो फ्राइज है अब खा लेना, ठीक है? हाँ फ्राइज खा लेती हूँ मैं, थोड़े बहुत, बाकी नहीं खाती कुछ भी। आज तो मम्मी एक्साइटेड हो? हाँ बहुत ज्यादा। हाँ ऐसे पहले ट्रिप पे जा रहे हो? हाँ, और मेरे को सबसे ज्यादा खुशी है, देखो जिसकी गाइस शादी है ना, वो मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी है, मैं सबसे ज्यादा उसके लिए खुश हूँ। उसके यहाँ जा रही थी अभी, सभी फोन करती हूँ मैं। अभी तो उसकी हल्दी चल रही होगी, हो गई होगी अब तक तो हल्दी ना, हो गई होगी। तो यहाँ पर आए पेट्रोल पंप पे पश्चिम बिहार के, तो यहाँ पर है 24/7। तो पूजा कहते चलो देखते हैं मम्मी कुछ खाना है तो देख लेते हैं, पूजा को देखना है अगर कुछ खाना है तो ले लेती है। मैंने ली है अपने लिए लस्सी और इन्होंने अपने लिए लिए हैं। मुझे तुमने क्या लिया है? गोल्डन लिया। मेरे को तो मैंने नहीं पीती, तो मैंने लस्सी ले ली, मैं नमकीन वाली, मीठी भी थी रोज वाली, पर मैंने ये वाली ली है। तो मेरे को लग रहा था, मैंने भैया से पूछा मीठी है क्या, रहा तो फिर मैंने ये ले ली। पूजा तो ट्रैफिक ही नहीं वो हो रहा, आधा घंटा हो गया फंस गए। आधा घंटा का मम्मी ज्यादा, हम तो कब पहुंचेंगे मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। भगवान ये पिछली बार भी यही ट्रैफिक है, मेरे को ऐसे लग रहा है ये राइट होते ही खाली हो जाएगा। मैं तो बड़ी देर से सुन रही हूँ राइट होते खाली हो जाएगा, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ। चींटी की चाल चल रही है, देखो। हाँ मुश्किल लग रहा है मुझे पहुँचना ही आज, मुझे लग रहा है बस अब सोने जा रहे। मैं सोच रही हूँ खाना खा के, वरना मैं तो ये सूट पहन रखा है, मैं तो हल्का सा करके इसी में सो जाऊंगी, अगर ज्यादा लेट हो गई तो। वैसे तो दूसरा लाई हूँ कि टाइम मिल गया तो ठीक है, वरना मैं तो ऐसे ही पहुंच जाऊंगी। हाँ बस अब कुछ करने जोगे तो रह नहीं गया हमारा। पर यहाँ से तो निकले पहले। हाँ बस ये बाकी मनु कह रहे आगे तो जल्दी आ जाएंगे, कटर मिल जाए ना, देखते हैं चलो। हाँ कटाने में आधा घंटा लग गया। मैंने लिया अभी पूजा से दूसरी लस्सी, मैंने कहा दे, और इतना मुंह में नमक नमक हो गया ना, इतनी नमकीन थी पूजा, बड़ी नमकीन लस्सी थी, मैं सही बता रही हूँ। अरे बहुत ज्यादा कड़ा था, बहुत ज्यादा नमक था। नमक से क्या हुआ? अरे होना कुछ नहीं है, नमकीन लस्सी थी। अच्छा नमकीन लस्सी थी। हाँ तो आपको नमकीन पसंद नहीं है क्या? है, पर ये ज्यादा नमक था। हाँ इसको मीठे से दिक्कत है, तुम्हें नमक से दिक्कत है? नमक से दिक्कत नहीं है, बाकी पूजा तेरे को मीठे से दिक्कत है? बेटी मैं कह रहा हूँ मीठा दूर दूर तक। हाँ ये मीठा तो कम खाती है, गुलाब जामुन रसगुल्ले ये नहीं खाती, मीठा तो बिल्कुल नहीं खाती। नमक से दिक्कत है, मम्मी को मीठी चाहिए थी लस्सी। हाँ मेरे साथ हाँ रोज वाली। हाँ बेटी नमक पीती है, नमक वाली तुम मीठी पीते हो। हाँ बस मैं तो शुगर की वजह से मारी गई हूँ आधी जिंदगी, शुगर ने बिल्कुल बंद कर दी है, क्या करें। चलो कोई नहीं, जैसे है तो नमक ही खा लेंगे अब। हाँ तो यहाँ पर रुके हैं हम, पूजा हवेली है ना कुरुक्षेत्र की हवेली में रुके हैं। मैंने कहा चल एक तो थोड़ा सा चाय भी पी लेती, और चाय तूने पीनी है मन्नू? आपने पीनी है? नहीं मेरे को एक ले दो। हाँ मेरे लिए और कुछ नहीं, मैं चाय लूंगी बस, नहीं चाय का दिल है मेन। चाय ले लो। हाँ ठीक है, अगर कॉफी है तो कॉफी भी ले लो। कॉफी मन्नू के लिए ले लेनी है, पीनी है आपने? चलो देखते हैं। चलो पूजा कॉफी क्यों नहीं पी रही? मेरे तो क्या हुआ, ये
फिर ना मेरी नजर इस पे पड़ गई, मैंने कहा ये अमूल की है, ये 130 की है, ये 60 की मंदिर है, ये वाली दो ले लेते। मैंने कहा नहीं मुझे ये ले दिया। सही कौन सी निकली है? ये 60 वाली। अच्छा, ये गाइस कॉफी के नाम पे धोखा है। इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफी है, इतनी कड़वी और ऐसा लग रहा है पानी पानी वाली कॉफी है। हाँ, तो सिर्फ पानी के अंदर ब्लैक कॉफी मिला दी। अमूल वाली कॉफी अच्छी है। अमूल की देखो चीज अच्छी है, 60 की है पर अच्छी है ये। तभी इसमें दूध है। हाँ, मुझे दे दिया थोड़ी थोड़ी। अब कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी पी के खत्म करो। मतलब टेस्ट मत करना बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। 30 वाली से बढ़िया 60 वाली है। हाँ, अमूल ईस्ट बेस्ट, अमूल हाँ सबसे बेस्ट है। तो गाइस अभी बजे हैं 9 और हम दोबारा उतर चुके हैं सीएनजी जलवाने। तो पहले का पहले भी डलवाई थी ना, पहले भी डलवाई थी। हाँ, तो वो हो गई है खत्म। हाँ, तो हमने कहा सीएनजी फुल पेट्रोल फुल कर दो, पूरा चंडीगढ़ घूम के जाना है। कोई ऐसी जगह नहीं है जो छोड़े, निकले हैं तो पूरा घूम के ही घर जाएंगे। मौसम कितना अच्छा हो रहा है मम्मी यहाँ पे, ठंडा ठंडा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा हो रहा है। घुसते ही ना पंजाब साइड में ऐसा लगता है कि ठंडक सी महसूस हो रही है। हाँ, उठ गए। हाँ, फिर से सो गए थे। हाँ, मैंने मम्मी को उठाया, मैंने कहा उठ जा, मैंने कहा उठ जाओ चंडीगढ़ आ गया, वेलकम टू चंडीगढ़। कितनी देर रह गई पूजा? 20 मिनट्स में पहुंच रहे मम्मी। अच्छा, चलो फाइनली पहुंच गए हैं बस। हाँ, आपने तो नींद पूरी कर ली अपनी? हाँ, मैंने कर ली, और रात को भी आ जाती है मुझे। अभी तो भाई खाओगे ना आपको आई। हाँ, फिर आ जाएगी। हाँ, मैं कहा चंडीगढ़ देख लो अब। ठीक है, गुड ड्राइवर्स डोंट होंक। चंडीगढ़ होंक फ्री सिटी। वेलकम टू चंडीगढ़ मम्मी। हाँ, पहली बार आए ना चंडीगढ़? हाँ। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं शादी वाले घर पे पहुंच गए, बट तब पहुंचे जब सब वाइंड अप हो रहा है। तो कोई नहीं, बट हम रोटी तो खा ही रहे हैं। फटक खा लो, फिर बैठते हैं आराम से, फिर बातें करते हैं। खाना कितना टेस्टी है, मन्नू को भी बड़ा टेस्टी लगा। मन्नू को ना मतलब सबसे क्या अच्छा लगा, ये कढ़ाई पनीर स्पाइसी है मन्नू के मतलब का। चलो डिनर करते हैं, फिर आराम से देखते हैं क्या करते हैं आगे का। तो फाइनली पहुंच गए हैं बहुत लेट, और ये मैं तो नाराज हूँ बहुत ज्यादा। सारी रस्में हो गई, अब आए लास्ट। चलो फिर पहुंच गए, शादी के टाइम तो आ गए। इतने लेट पहुंच गए, नहीं अब कर लो। अरे हमें मेरा तो खुद मन फोन आपको ही किया। रोज आते थे डेली। अरे हमारा कल रात को ही आंटी निकलने का प्लान था, बट ये डॉक्टर करके ना आ गए। आना ना भाई, मेरे को बहुत एरिया बहुत पसंद आया। हाँ, मनु कह रहे बहुत अच्छा एरिया ना, बहुत अच्छा एरिया, बड़े पार्क है ना, बहुत अच्छा एरिया। बहुत प्यार है, अच्छा लगा हमें तो। दिल्ली से तो लाख गुना यहाँ पे। बात ये है कि ग्रीनरी है, बंदे की 5-10 साल वैसी उम्र बढ़ जाए, बढ़ जाएगी। और दूसरे के लिए बहुत अच्छा लगता है सैर करना। दिल्ली जाओ, दिल्ली में तो निकलती ही नहीं थी मैं, यहाँ जाना इतने ट्रैफिक बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं आपने सही करा वापस यहाँ आ गए। यहाँ देखो गाड़ियों को भी खुला रखने को बताइए, सारी पार्किंग है यहाँ सब। जहाँ मर्जी रखो, वहाँ गाड़ी निकालो दोबारा रखने की मुश्किल बहुत ज्यादा। नहीं आपने तो बहुत सही डिसीजन लिया वापस आ गए। आप भी यही आ जाओ मम्मी चंडीगढ़। यही आ जाती हूँ। अच्छा, मैं आप ऐसा करूँगी, मैं भी यहाँ जाऊंगी। मैंने तो पहले ही बोला था यहाँ से हम आ चुके हैं, बातें करी, खाना खाया, तो वो लोग नाराज भी बहुत हुए, लेकिन हम करें क्या, हॉस्पिटल भी दिखाना जरूरी था। जबकि इतनी थोड़ी रिपोर्ट्स में उतनी प्रॉब्लम नहीं आई, तो बाकी पूजा का पड़ेगा नहीं, बिना दिखाए तो कैंसिल कर दे, नहीं जाने दूंगा, लेकिन जाना जरूर है तुम्हें। तो चलो कोई नहीं, आ ही गए आखिर, तो शादी वाले घर में आ ही गए हैं। तो अभी बस चेक इन कर रहा है रूम में, तो ठंडा हो गया ना? हो गया ठंडा। तो अभी ना पूजा के पापा का भी बार बार फोन आ रहा था, तो पूजा ने एक बार अटेंड किया, मैंने किया नहीं था, तो बोल रहे थे काकू को, कहते मम्मी फोन नहीं कर रही, तो मैंने अब फोन भी कर लिया, बात भी हो गई है मेरी। तो और साथ में गाइस थक भी इतना गए हैं, भी फंक्शन अटेंड नहीं करते। नहीं, नहीं। हम एक घंटे पहले भी पहुंच जाते ना, तब भी कुछ हो जाता, पर चलो कोई नहीं, शादी तो है अभी। शादी तो है, कोई दिक्कत नहीं है। आज आके पता चले कल आते हो शादी, वो बारात आके चली जाती है, तब तक आते हैं। तो बाकी अब रेस्ट हो जाएगा। हाँ, हमें सही बताओ, मैं एरिया बहुत अच्छा लगा है, और बिल्कुल खुला डुल्ला, ऐसे जैसे यहाँ भी आए ना रूम में हम, तो उनके घर से लगा तो रूम भी सही है, और हमने बालकनी का जरा सा खोला, यानी ठंडक है, जैसे हमारे वहाँ दिल्ली में उतनी हमें नहीं लगती,
तो यहाँ पर मेरे को लगी है ये चीज का। और भैया ने देखो इतना मोटा कंबल भी दे रखा है हमें, पता ही आप कंबल से ही समझ जाओगे कि कितनी ठंड, थोड़ा ठंडा मौसम है। जरूरत पड़ती होगी जो यहाँ रखे हुए हैं, नीचे चद्दरें भी रख सकते थे पर कंबल रखे हुए हैं, तो हम समझ गए हैं कि यहाँ रात को सर्दी पड़ने वाली है। तो गाइस आज का स्टे है हमारा यहाँ पर, और हम तीनों साथ में आज हम तीनों साथ में कह रहे थे अभी रूम के लिए, तो हमने कहा हम तीनों एक में एडजस्ट हो जाए, मम्मी अकेले तो सो नहीं सकते थे नहीं। तो हमने कहा हमारे साथ ही आ जाए मम्मी ना, काकू होता है पापा होते तो अलग तो अलग हो जाता, मैं अलग उनको क्या बोलती हूं। हां उनकी वैसे ही आपको बताइए कि सुबह डॉक्टर के पास होके हैं तो वो कह रहे थे कि एक में, हमने खुद ही कहा कि एक में एडजस्ट हो जाते हैं, कोई बात नहीं अकेले कैसे हो गया। तो मेरी चाय आ चुकी है, बड़ी मुश्किल से मिल ही गई आखिरी चाय। तो पूजा डर रहे थे ना मम्मी, कह रहे रात को मत चलो, मैं बोल रही थी ना निकलो, चंडीगढ़ है, मैंने कहा मैं कहा दिल्ली नहीं है। हाँ कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें पुलिस अंकल थे उन्होंने हमें बता दिया, कर लिया था, वो कह रहे थे आप यहाँ पे चलो। हाँ तो गाइज यहाँ पर आए हम, तो अंदर काफी चीजें बन रही हैं और सारा कुछ ही बना रहे हैं, तो बाहर बैठने का भी सारा अरेंजमेंट है देखिए आप। हाँ और ये रात भर है यहाँ 24/7, हाँ यहाँ 24/7 पे है यहाँ भी, आप जब मर्जी आए यहाँ पर आराम से सब कुछ। आ बहुत टेस्टी है चाय, हाँ इलायची चाय है बहुत टेस्टी है गाइस, और चाय के इतने सारे फ्लेवर थे कि आप कुछ भी ले सकते हो। मम्मी को चाय इतनी पसंद आई है, मम्मी ने एक और मंगवा दी है, ये देखिए एक कप मम्मी पी चुके हैं, अब एक और मंगवाया, सभी यहाँ ऐसे कर रहे हैं दो दो कप पी के जा रहे हैं। हाँ टेस्टी है इलायची चाय है, वो दो पीता है, हमें पहले पता था हम लास्ट करवा लेते आपकी ना, मुझे टेस्टी लगी। अब आपको कैसे लगा रात को घूम, अब रात को तो कभी इतना घूमे नहीं हो ना, दिन दिन में घूमते थे शाम में, रात को कभी नहीं। हाँ आज अच्छा लगा मुझे 12 बजे का, और जबकि हम मना कर रहे थे, हाँ मन्नू ने जिद करा कि चलो चलो मम्मी मेरे साथ चलो चलो, तब आए मम्मी चलो पियो फिर चलते हैं ठीक है, ये लो खा लो फ्राइज। पंखा देखा तुमने? अरे गाइस पंखा बंद कर रखा है, एसी इतना ठंडक दे रहा है ना ये वाला, तो हमने पंखा बंद कर दिया। पंखे को देख के एक और बात याद आ गई है, क्या हमारा पंखा देखा ऊपर वाला, हाँ बेडरूम में लग रहा है इतना ऊपर, इतना बड़ा है ये तो। मैं मन्नू को बोल रही, मैंने कहा कुछ ज्यादा हमारे पंखे से बहुत बड़ा नहीं लग रहा, मन्नू कह रहे पंखा बड़ा है, ये बाप है बाप पंखों का, पूरी हवा दे देगा कोने कोने तक, बीच वाला तो सही लगा हुआ है, तीन पंखा गाइस इतनी ठंड हो रही है, पंखा चला के रोंगटे खड़े हो रहे, मतलब शर्ट जैकेट निकालो मेरी फटाफट। जैकेट तो लाया नहीं, वो तो दिल्ली में है, ऐसे पंखे होना चाहिए तो। हाँ रोंगटे खड़े करते हैं चचो के गाइस, दूर से देखिए इस पंखे को, जिस जिस घर रोंगटे खड़े करवाने हो इस पंखा ऑर्डर करिए, चंगी का हाथो ये पंखा ऑर्डर करिए। हाँ पंखे की कोई वो नहीं है, क्रॉम्पटन का है भाई, हम भी यही मंगवाते हैं, बाहर का बड़ा वेदर भी सही है, मौसम अच्छा है। तो गाइस होटल में वापस आ गए हैं और आके बस ऐसे लग रहा है, मैं तो सोने की तैयारी कर रही हूँ कि बस सो जाऊं मैं बस, और पूजा ना तो अभी बैठेंगे देखते हैं ये कब तक सोते हैं, मुझे नहीं पता। तो अभी 1 बज रहे हैं, हम घूम फिर के आ गए, मम्मी कह रहे मुझे तो नींद आ रही है, मैंने कहा चलो मैं सोती हूँ टाइम से उठती हूँ, तो मैंने कहा मैं तो सो रही हूँ बाकी तुम देख रहे हो, देखती हूँ पूजा से बातें भी करती रही, क्या पता नींद आती है नहीं आती है मुझे कुछ नहीं पता, पर बट ऐसे तो मुझे लग रहा है कि मैं बस सो जाऊंगी, सो जाओ फिर मैं सोऊंगी। मेडिसिन खा ली ना? हाँ खा ली मैंने, पहले ही खा ली, ठीक है चलो सब खा के मैं निपट गई हूँ, मैं टाइम से अपना खा ली थी, मैंने कहा ये ना मैं भूल जाऊंगी कुछ है, मैं अपना टाइम से खा के दवाई खा के तब गई हूँ मैं। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर, एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अब मिलूंगी मैं आपको, जो अगला ब्लॉग आएगा वो शादी का ही ब्लॉग आएगा, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।